You are attending computer coding class. नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग या परचेज डेट पता कैसे करें। नॉर्मली आपको अगर आपके मोबाइल की परचेज डेट पता करनी होती है तो आप लोग आपके मोबाइल का जो बिल होता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, ये एक एग्जांपल है, मेरे मोबाइल का बिल नहीं है। तो इस बिल में आप देखिए, यहाँ पे ये जो बिल की डेट लिखी हुई है फरवरी 2017, इससे आपको पता चल जाता है ये MI का मोबाइल है, जियोमी का, और यहाँ पे आपको डेट दिख जाती है। पर कितनी बार क्या होता है कि हम लोग सेकेंड हैंड मोबाइल परचेज करते हैं या रिफर्बिश मोबाइल परचेज करते हैं, तो हमको एक्चुअल इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पता नहीं चलती है, तब हम कैसे पता करें। तो दूसरा तरीका है कि ये देखिए, आजकल आप जानते हैं कि सभी मोबाइल में इनबिल्ट बैटरी होती है, तो कोई भी रिमूवेबल बैटरी नहीं होने से ज़्यादातर चांस रहते हैं कि उसमें ओरिजिनल बैटरी ही लगी हो। तो देखिए, यहाँ बैटरी के ऊपर भी जो ये डेट लिखी हुई है 2017, और ये IS 2012 लिखा है, ये तो इसका स्टैंडर्ड है, ISO स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2017, ये बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ज़्यादातर चांस है कि ये आपके मोबाइल की भी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है। अब मान लीजिए आपने रिफर्बिश मोबाइल परचेज किया है, तो उसमें चांसेज रहते हैं कि बैटरी नई डाल दी हो, तो बैटरी रिमूवेबल हो गई है उसमें, तो इससे भी हम एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें हम जितने भी एंड्रॉयड कोड अगर एंटर करते हैं तो वो OEM स्पेसिफिक जनरलाइज कोड नहीं होते हैं, जबकि अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग कंपनीज और अलग अलग मॉडल्स के स्पेसिफिक होते हैं। तो एक कोड अगर एक मोबाइल में लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल में भी वही कोड लग जाए। मेरे पास ये जो मोबाइल है, ये जियोमी का MI का मोबाइल है। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करिए, उसकी सेटिंग में जाइए और अबाउट फ़ोन में जाइए, और अबाउट फ़ोन के अंदर आप देखिए, यहाँ पे ये मोबाइल का मॉडल नंबर है Redmi Note 5 Pro और एंड्रॉयड वर्जन है 7.1.1 Nougat, इसका एंड्रॉयड वर्जन है। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट आता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज लेवल, यहाँ पे हमको डेट मिल रही है 1 अप्रैल 2018, मतलब इसमें जो सिस्टम अपडेट किया गया था वो 1/4/2018 का है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये मोबाइल उसी टाइम का है। अगर इससे भी आपको पता नहीं चल रहा है तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, और इसके बाद कुछ कोड होते हैं। तो देखिए, ये इसमें जो पहला कोड आ रहा है *#1973286400#, और दूसरा कोड है *#1973286400#*#। जब ये कोड आप डायल कर देंगे तो उसमें खुलेगा मेनू वर्जन इंफॉर्मेशन, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर हार्डवेयर वर्जन पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पे क्लिक करना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट मोबाइल की आ जाएगी। ये कोड इस मोबाइल पे वर्क नहीं कर रहा है, देखिए *#1973286400#, देखिए ये कोड वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा कोड था *#*#, इसी में हम चेंज कर देते हैं *#*#, और इसके बाद था *#, तो देखिए ये मोबाइल डिस्कार्ड कर दे रहा है, तो ये कोड हमारे मोबाइल पे वर्क नहीं कर रहा है। बट एक और कोड है *#1234#, तो देखिए ये भी कोड जो है वो हमारे मोबाइल पे वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपके मोबाइल पे वर्क करता हो तो आप उसको ज़रूर यूज करिए। और नेक्स्ट कोड हम डाल सकते हैं *#*#1234####, तो देखिए यहाँ पे ये कोड वर्क कर रहा है और हमको डिवाइस की
इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर वही है जो हमारी सेटिंग में था, Redmi Note 5 Pro। और देखिए यहाँ पे IMEI नंबर आ गया। आपको पता होगा हर मोबाइल का IMEI नंबर यूनिक होता है। अगर आपका डुअल सिम है तो दो IMEI नंबर होंगे, कोई भी दो मोबाइल का सेम नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको मोबाइल का वर्जन ज़रूर मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर वर्जन भी मिल जाएगा आपको, बट यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको नहीं दिख रही है कहीं पे भी। अब नेक्स्ट तरीका यह है कि आपको ये बात तो पता चली गई कि आपका मोबाइल Redmi Note 5 Pro है, और दूसरा आपके पास 7.1.1 नोगट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड का लगा हुआ है। तो नेक्स्ट एक और कोड हम ट्राई कर सकते हैं IMEI नंबर पता करने का, *#06#। ये कोड वर्क कर रहा है। इन दोनों कोड को आपको क्या करना है, कहीं पे पेपर पे लिख देना है। एक ऊपर का कोड बहुत है, आपको दूसरे कोड की ज़रूरत नहीं है, ये आप इसको नोट करिए। फिर एक साइट होती है IMEI.info, इस साइट को हम खोलेंगे और वहाँ पे हमारा IMEI नंबर जब डालेंगे तो इस मोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। तो देखिए मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है IMEI.info वेबसाइट है, और यहाँ आपको आपके मोबाइल का IMEI नंबर डालना है। तो देखिए हम डालते हैं 8671940395981126। तो देखिए ये हमने कोड डाला, और फिर इसको आपको चेक को क्लिक करना पड़ेगा कि आप ह्यूमन हैं या नहीं हैं। तो देखिए ये चेक करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से बॉट कौन सी है, तो ये बॉट है, ये बॉट है, ये बॉट है, ये भी बॉट, ये भी बॉट, और ये भी बॉट है। अब हम नेक्स्ट करेंगे वेरीफाई। तो देखिए ये कह रहा है बाइसिकल वन बाइसिकल, ये सब बाइसिकल हैं, ये चेक हो गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिटेल आ रही है, हमारा मॉडल है Redmi Note 5 Pro MEI 7S, Xiaomi का बना हुआ है। और देखिए इसके नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, ये रिलीज डेट 2018, मतलब आपका मोबाइल 2018 के पहले का नहीं है। तो देखिए एंड्रॉयड 7.0 नोगट, ये आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट आपको अभी भी नहीं मिली, और ना मिलने के ज़्यादा चांस है अगर आपके पास बिल नहीं है। हम लमसम डेट जरूर पता कर सकते हैं। अगर बैटरी है तो बैटरी के ऊपर लिखी हुई डेट बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, बट वो भी ईयर होता है। तो यहाँ पे आपको रिलीज डेट 2018 मिल गई है। एक तो ये तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा। एक और इनडायरेक्ट तरीका मैं आपको बताऊं, आप क्या करिए, गूगल में जाइए और यहाँ पे हम लिखेंगे Redmi Note 5 Pro रिलीज डेट। तो देखिए Redmi Note 5 Pro रिलीज डेट, तो यहाँ पे देखिए ये एक और आपको डेट पता चल गई, February 2018। तो ये सेकेंड डेटा मिला, फर्स्ट आपको आपका मिला था कि आपका मोबाइल का 2018 है, दूसरी डेट आपको मिल गई February 2018। तो ये दूसरा वेरिफिकेशन है जो आपने कर दिया कि आपके मोबाइल का, कि मोबाइल 2018 से पहले का नहीं है। नेक्स्ट एक और तरीका बताऊँ, यहाँ पे हमने जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था एंड्रॉयड 7.1.1 नोगट, तो देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है 7.1.1 NG 177B रिलीज डेट। तो इस
को भी आप चेक कर लीजिए। तो देखिए इसमें जो डेट लिखी है December 5, 2016, इट मीन्स आपका जो भी मोबाइल होगा वो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2016 के बाद का ही है, उसके पहले का नहीं है। दूसरा आपका Redmi Note 5 Pro है जो February 2018 के बाद का है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग डेट कौन सी है। इसमें से अगर जो कोई भी डेटा या आपके पास सुविधा अवेलेबल है उससे आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद।